ये देश का पहला मौका है, मैं समझता हूँ कि सैकड़ों वर्ष का इतिहास रहा होगा कि आज तक जो स्वागत, जो सत्कार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को अमेरिका में मिला, जो रिस्पेक्ट मिला, शायद आज तक के किसी भी प्रधानमंत्री को वहाँ नहीं मिला होगा। और आप देखे होंगे, कल और परसों भी देखे होंगे कि लाल कारपेट बिछा करके जैसे स्वागत होता है, उस ढंग से वहाँ के राष्ट्रपति परिवार सहित माननीय प्रधानमंत्री जी का उन्होंने स्वागत किया और दिल से स्वागत किया, गले में गले मिला। और रात्रि भोजन जो था उसमें काफ़ी संख्या में लोग थे। इसके पहले जब प्रधानमंत्री गए थे तो वहाँ के राष्ट्रपति जी ने कहा था कि आप इतने लोकप्रिय नेता हो कि हमारी इच्छा होती है कि आपका ऑटोग्राफ लें। एक अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान था, दूसरे प्रोटोकॉल को तोड़ करके दूसरा राष्ट्रपति उनको पैर छू के प्रणाम किया। तो मैं समझता हूँ कि आज के तारीख में जो अपने देश का, भारत का जो विदेश नीति है, संभवतः आज़ादी के बाद से आज तक इतना अच्छा प्रधानमंत्री देश को नहीं मिला। और आज तक देश है अपने देश के नेताओं को प्रधानमंत्री चुना था, लेकिन पहला मौका है कि वर्ल्ड बेसिस पर, विश्व स्तर पर जो व्यक्ति सर्वमान्य नेता हो, आज जो हमारे देश के नेता हैं, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, शोषित, गरीब, पिछड़ा दलित, इवन ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, सबों के हित की बात वो करते हैं। और 1 अरब 40 करोड़ की आबादी देश में है, और मैं समझता हूँ कि 1 अरब 40 करोड़ आबादी वाले हिंदुस्तान, जहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम सबसे बड़ा सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, उसमें सर्वमान्य नेताओं के रूप में परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है। और आप एक बात देख लीजिए कि विपक्षी एकता बिहार में है, वो टाइट फीस है, कुछ नहीं है, सबको देखिए। एक देश है में रीजनल पार्टी का जो है, जैसे बंगाल है, बंगाल में ममता बनर्जी का अलग इशूज है, ममता बनर्जी की लड़ाई किससे है। तो कुल मिला के ये एक ऐतिहासिक पीएम मोदी की आप कहते हैं कि यूएस विजिट है। निश्चित रूप से ऐतिहासिक है, और भूतों ने भविष्यों ऐसा कभी नहीं हुआ जो कल और परसों देखने को मिला अमेरिका में, और जहाँ कहीं भी हो इतना स्वागत, इतना दिल से मिलन आज तक कभी किसी भी प्रधानमंत्री के साथ में ऐसा नहीं। वो वहाँ पे जमा हुए हैं और ये कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी सरकार को हटाओ। मैं तो पहले कह चुका हूँ कि 2024 में प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। ये जितना भी विपक्षी एकता आप देख रहे हैं, सब ढकोसला है, सब झूठ है, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए है। अब इस मीटिंग में बैठी हुई है ममता बनर्जी, क्या कांग्रेस से समझौता कर लेंगे वो? इस मीटिंग में बैठे हुए अरविंद केजरीवाल, वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बैठे हुए हैं कि जो अध्यादेश जारी हुआ है उनके खिलाफ में, उसके संबंध में वो चाहते हैं कि तमाम विपक्ष सबको राज्यसभा में अपना मत दे, जो संभव नहीं है। इस मीटिंग में और कई लोग बैठे हुए हैं, तो सबका अलग अलग इशूज है। अखिलेश यादव जी बैठे हुए हैं, या बिहार में बैठक हो रही है, तो क्या बिहार में कांग्रेस मान जाएगा कि उसको सीट नहीं मिलेगा, तो क्या समझौता कर लेगा कांग्रेस के लोग? नहीं करेगा। इसलिए ये दिखावी है। देखिए, जो व्यक्ति, आपको याद होगा 1974 की कहानी याद है, देश में लागू देश में इमरजेंसी लागू हुआ, किसने लागू किया? कांग्रेस के लोगों ने लागू किया, संविधान को तोड़ मरोड़ दिया। और उस इमरजेंसी के खिलाफ लालू यादव और नीतीश कुमार जेल गए थे। आज किस मुंह से वो उनके साथ जा रहे हैं, ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और खास करके बिहार के लिए बहुत ही खराब संदेश है। इसलिए विपक्षी एकता ये नहीं है। अमित शाह जी ने बोला है कि फोटो सेशन चल रहा है पटना में। हाँ, तो फोटो सेशन तो है ही, अब ये तो 100% फोटो सेशन है। आप आज के बाद देखिएगा कल क्या रिजल्ट होगा। ममता बनर्जी का अलग ही सूझ है, केजरीवाल जी का अलग ही सूझ है, तेलंगाना का मुख्यमंत्री है उनका अलग है, आपके अखिलेश यादव जी का अलग है, तो इस सब का अलग अलग है, वो कतई संभव है। खुद बिहार की बात लीजिए ना, जहाँ बैठक हो रही है, क्या कांग्रेस मानने के लिए तैयार है कि बिहार में कांग्रेस को हम सीट नहीं देंगे तो कांग्रेस मान जाएगा? नहीं मानेगा।
इसलिए ये लोगों का सिर्फ दिखावा है। और देखिए ये सब तमाम लोग, एक देहात में एक कहावत है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं होता, अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरे को सुख दे करके दुखी होता है। ये तमाम लोग जो हैं, इन लोगों को जलन हो रही है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के, कि जो पूरे वर्ल्ड में उनका नाम हो रहा है, उससे ये तमाम विपक्ष घबरा गए। और ये घबराहट में ये लोगों ने बैठक किया, लेकिन ये बैठक कभी संभव नहीं होगा। सर सवाल यह है कि जब लोग पहुंच रहे हैं पटना में, तो पटना में ऐसे पोस्टर देखे जा रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि राहुल गांधी राजनीति छोड़ो। देखिए सही बात तो यह है कि राहुल गांधी जी का जो काम करने का तौर और तरीका है, वो देश के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। और इसे भी देखिएगा कि कोर्ट के द्वारा भी जो उनको हिदायत दी गई है, तो ये जो भाजपा के द्वारा या एनडीए गठबंधन के द्वारा जो पोस्टर साटा गया है, हम इसको सही मानते हैं। और देखिए विपक्षी एकता की जो बैठक आज हो रही है, ये बैठक भविष्य ये सार्थक नहीं होगा। ये सिर्फ दिखावा मात्र है, आज ही भर है, कल के बाद से कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। इन लोगों का जो संबंध है, 36 का संबंध है, एक अंगणित का खेल है। सब 36 तीन इधर होता है, 6 इधर होता है। तो ये लोग 36 के संबंध में, हम लोगों का जो एनडीए गठबंधन है वो 63 हम लोग हैं, 6 इधर है 3 इधर है, तालमेल है। इन लोग के आपस में तालमेल नहीं, ये स्वार्थवश ये लोग बैठक बुलाए हैं। और इसमें बहुत से लोग हैं जिन पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, कि अपने आरोप प्रत्यारोप को दबाने के लिए भी, उस आवाज़ को दबाने के लिए भी, कि सीबीआई का ये नहीं, हमारे पर शिकंजा नहीं चढ़े, ईडी का शिकंजा नहीं चढ़े, उससे बचने के लिए ये बैठक बुला रहे हैं। ये बैठक उनके भविष्य के लिए बैठक सफल नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा।